गढ़वाल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सालगिरह की तकरीबात। आज इमामुल हिंद और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश। जलसे यौम तालीम के नाम से जुगलम्बा गढ़वाल ज़िले हेडक्वार्टर्स में ज़बरदस्त पैमाने पर मनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मुजस्मे पर फूलों के हार चढ़ाए गए। मौलाना आज़ाद की कई खिदमात हैं जिनको आवाम कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। आज के दिन को कौमी यौम तालीम मनाया जा रहा है। आज जुगलम्बा गढ़वाल ज़िले के मुख्तलिफ सरकारी दफातर और मदारिस में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कारनामों को सराहते हुए भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। DEO मोहम्मद सिराज और YSRPT पार्टी कायदीन, कांग्रेस पार्टी कायदीन, MIM पार्टी कायदीन और अवामी नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में कसीर तदाद में शिरकत की। बेहतरीन काम किया है, कई इनके कारनामे हैं। आप डिटेल उसमें जाएंगे तो बहुत ऐसे चीज़ें मिलेंगे जो है आज तक भी जो है हम अमल कर रहे हैं। उस अमल करने की वजह से हमारे भारत में जो है बहुत तरक्की हो रही है। लिहाजा इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए हमारी हुकूमत आज जो है गाँव में कौमी तालीम नेशनल एजुकेशन डे मनाने के लिए कही है। इसी सीमन में नेशनल माइनॉरिटीज डे भी है, इसी तरह का नेशनल एजुकेशन डे भी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे हिंदुस्तान के जो सबसे पहले रियासत तालीम के मिनिस्टर के हैसियत से जो है ना अलग हुए हैं, जो आज तारीख में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर जनाब अबुल कलाम आज़ाद के हैसियत से पार्लियामेंट में उन्होंने जो है हलफ लिया था। उसके बाद ये मौलाना आज़ाद जो है ना मक्के के पैदाइश के आदमी हैं, जो हिंदुस्तान में आके जो है ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने हुए हैं। उनके कई कारनामे हिंदुस्तान में हैं। एक इसके हिसाब से अगर एक हम इसकी मिसाल दिया जाए तो पार्लियामेंट में नेहरू ने भी इस बात को कहा था कि अगर एजुकेशन में आगे हम और कुछ ज़्यादा ज़्यादा हासिल करना है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रास्ते पे चले, ताकि जो है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक ऐसी खासियत, एक ऐसी हैसियत थी, एक ऐसी शख्सियत थी जो पार्लियामेंट में, जो पूरे भारत देश में यानी पूरे हिंदुस्तान में यानी तालीमी इदारों को किस तरह चलाना उन्होंने इसको हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को सिखाया था। उसी तरह ने